हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के NH 33 पर इन दिनों लगातार हो रही दुर्घटनाओं से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि देर रात्रि इचाक प्रखंड के बोंगा पेट्रोल पंप के समीप NH 33 पर तेज रफ्तार में आ रही हुंडई i20 कार अनियंत्रित होकर रोड किनारे पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बुलाया गया। घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग सदर अस्पताल भेजा गया। बताया जाता है कि सभी हजारीबाग से बरही की ओर जा रहे थे। गाड़ी काफी तेज रफ्तार में थी, इसी बीच गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए पलट गई। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। आवाज सुनने पर तत्काल अगल बगल के ग्रामीण जुटे और राहत बचाव कार्य किया। 2 लोग गाड़ी में ही फंसे रह गए थे, जिन्हें मृत अवस्था में ग्रामीणों द्वारा निकाला गया। मृत तीनों युवक इचाक प्रखंड के कारीमाटी, कुरहा और चंदा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतकों को पुलिस की मदद से हजारीबाग सदर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, जिसके बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया। मौत की खबर सुनकर गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गणतंत्र दिवस की सुबह इस तरह की घटना होने से लोगों में शोक व्याप्त था। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट। हमें जानकारी है, सुबह लगभग 4 बजे मेरे को फोन आया। इसके बाद हम लोग 4-5 लड़का गए हॉस्पिटल सदर अस्पताल। उसके बाद पता चला वहाँ पे कि ऐसी ऐसी घटना हुआ है, सो जा देखते हैं। तो बोला कि नहीं, चल गया रांची, तो रांची देखने नहीं दे रहा। फिर उसके बाद गए दूसरे हॉस्पिटल, तो पता चला नहीं, 5 लोग यहीं पे है, 1 रांची गया, 4 यहीं है। शादी था यहाँ पे, आए हुए थे शादी में, हम लोग जो वापस जा रहे थे हजारीबाग, वो जाने के क्रम में एक्सीडेंट हुआ है, उसी के क्रम में तीनों की स्पॉट हो गई।